સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં આવેલા હરિનગર 2 ની પાછળ મહાદેવનગરની ગલી નંબર 2 માં શ્રી ગજાનંદ મહારાજ સેગાવકરના પ્રાગટ્ય દિવસનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। मेरा नाम सविता ब्रह्मा भाई है, महादेव नगर चौकपराट में देखे हैं। और ये संत श्री संत गजानन महाराज का जो प्रोग्राम है, हम 2003 से चालू है, सबका सहकार मिलता है, इसके लिए हमारी बढ़ोतरी हो रही है। इस सब पर कृपा रहे, हमारे ऊपर कृपा रहे। और ये प्रोग्राम आगे ऐसा लिमिट नहीं रखते, जितने दिन तक चले, अगर इनका साथ सहकार रहेगा तो आगे भी चलता रहे। और उनकी कृपा सब पर बरसती रहे और हमारे को तो बरसती ही है। 8-10 दिन पहले ही तैयारी हो रही है, सब सजावट का सामान और भंडारा रखते हैं, उसका सबका साथ सहकार मिलता है। लेडीज का, मेरी बहनें का आते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, सब साथ देते हैं। फिर कल जो है भजन था शाम संध्या, और आज सुबह से आरती हुई, सुबह स्नान हुआ बाबा का और अभिषेक हुआ, उनके बाद स्थापना हुई। दिन भर हमने सब डेकोरेशन किया और उसके बाद शाम को महाआरती हुई, उनके बाद भंडारा हो रहा है। और ऐसी ही कृपा सब पर बनी रहे, यही श्री संत गजानन महाराज की नम्र विनती और श्री चरणों में प्रार्थना। और यहाँ जो सूरत में 2003 से गजानन महाराज का प्रकट दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो ये जो विदर्भ की मूर्ति है शेगांव वासी ब्रह्मांड नायक, तो इनका जो इतिहास है वो 23 फरवरी 1978 में वो शेगांव धाम में पात्रुका नाम की जो व्यक्ति थी उनके वहाँ प्रकट हुए। और जब वृक्ष के नीचे बैठे थे और वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन मनाया जा रहा था, बहुत बड़े लोग खाना खाने आए थे और ऋषि पंचमी का वो महोत्सव था, वो मनाते हुए जो लोगों को भोजन दिया रहा था और भोजन के समय जो खाना खाने के बाद जो पत्रावली है वो फेंक दी जा रही थी और उस पर अन्न भी बहुत जा रहा था, तो महाराज डायरेक्ट वहाँ पे बैठे दिखे और एक एक घास अपने पेट में डालते रहे। तो वहाँ पे बहुत लोग आने जाने कर रहे थे, लेकिन इनका जो है किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन वहाँ के जो वेंकटलाल अग्रवाल है और दामोदर कुलकर्णी, ये दोनों आदमी ने उनको पहचाना, तो लगभग वहाँ से उनका प्रकटीकरण हो गया। तो वहाँ से ये जो चमत्कार है तो बहुत बाबा के चमत्कार भी हो गए। और यहाँ का जो माहौल है कि गुजरात में और सूरत तरीके सिटी में गजानन महाराज का प्रकट दिन मनाया जा रहा है। आज गजानन महाराज
એમનો પ્રાગટ્ય દિવસ દર વર્ષે મહાદેવનગર ખાતે બ્રહ્મદેવ ખોડે એમના દ્વારા ખૂબ મોટો આયોજન આ મહાદેવનગરમાં કરવામાં આવે છે. એટલે હું પહેલાં તો એમને શુભેચ્છા પાઠવીશ. હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો અહીંયા પ્રસાદ લેવા આવે છે અને ગજાનંદ મહારાજનો દર્શન કરીને એ ધન્ય થઈ જાય છે. એમની તમામની મનોકામના આજે ગજાનંદ મહારાજ પૂર્ણ કરે એવી હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. આ જ રીતે બ્રહ્મદેવ ખોડેજી આ સમાજની સેવામાં તો અગ્રેસર છે જ, પણ ધાર્મિક રીતે પણ ખૂબ અગ્રેસર છે. એમને જેટલી પણ સ્તુતિ કરી એટલી ઓછી છે. અમે જોઈએ છે વ્યવસાયમાં સમય નથી મળતો, છતાં સમાજ સેવામાં પણ એટલો જ સમય આપીને પણ લોકોની સેવા કરતા હોય છે. એટલે હું ફરી અમને મારા કુટુંબ વતી અને સુરત શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી અમને શુભેચ્છા પાઠવું છું. એવા જ કાર્ય કરતા રહે.